नमस्कार। शनि किस राशि में अच्छा फल देता है या देगा, आज इस बात को सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में जो सुन रहे हैं उनको आज इसको सूत्र को समझना जरूरी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी हिसाब से ऊंचा होगा। शनि न्यायप्रिय ग्रह है और न्याय करता है। अगर किसी ने पहले कोई गलती की हुई है उसको उठा करके प्लेट में रख करके परोस देता है और समाज के सामने ला देता है। जितने घोटालेबाज नेता हैं या नोट इकट्ठे करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके सारे रहस्य भेद खुल जाते हैं। मर्डर किया है कहीं तो वो जिसको दबाया है या दफनाया है जहां वो पकड़ा जाता है, ठीक इसी प्रकार शनि जो है न्याय करता है और उस व्यक्ति को समाज के सामने ला देता है। शनि किस हाउस में कहां क्या फल देता है, आइए जानते हैं। लगन के अंदर शनि बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन निर्भर करता है किस राशि में। कुंभ तुला और वृष मकर, इन राशियों में इतना मजबूत होता है कि वो आदमी बिल्कुल थानेदार दरोगा जैसी बात करता है, सबसे अकड़ करके बात करता है, प्रभावशाली होता है। ठीक इसी प्रकार अगर दशम भाव में शनि है वो सबसे ज्यादा मजबूत माना गया है, लेकिन दशम स्थान का जो शनि है क्या क्या देता है, प्रभुत्व देता है, समाज में उसकी वाहवाह होती है, चारों तरफ से यश कीर्ति फैलती है, उसके द्वार पर पता नहीं कितने नौकर चाकर आईएएस अफसर खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके और ये सोचते हैं कि ये एक बार मेरी तरफ को देख ले। जब वो आदमी बड़ी बड़ी पार्टियां करता है तो उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं और वो देखते हैं कि मेरी तरफ एक बार देख लें और मैं उनको नमस्ते करूं और मेरे से हंस करके एक बार बात करे ये आदमी। तो दशम शनि वाला इतना पॉपुलर होता है, और अगर लग्नेश होकर के शनि दशम में है तो लाल बत्ती, उसके पास मकान पर राज चिन्ह, ध्वजा, झंडे, मान सम्मान, नौकर चाकर, पहरेदार, बड़े बड़े गार्ड खड़े रहते हैं, सुरक्षा। कैसी सुरक्षा? पुलिस की, एसपीजी की सुरक्षा, और शस्त्र धारण किए हुए बड़े बड़े लोग उसकी सुरक्षा रखते हैं। शनि अपने आप में बहुत अच्छा फल देता है, दूसरे भाव में भी, तीसरे में और भी अच्छा, चतुर्थ में अगर शुक्र के साथ हो या स्वग्रही हो, अपनी राशि में हो, तो जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी और गाय भैंस, अच्छी अच्छी नस्ल की गाय भैंस, कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते पालता है वो आदमी, उसे शौक होता है पशु रखने का। चौथा भाव है किसका, माता मित्र मकान सवारी पशु, तो पशु का शौक होता है, शनि पशुओं की, और वाहन इतने सुंदर देता है, बड़ी बड़ी हाथी जैसी बीएमडब्ल्यू ऑडी कार उसके द्वार पर खड़ी रहती है। पंचम भाव में शनि रहस्यमय विद्या को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु बना रहता है और एजुकेशन अच्छी होती है, लेकिन अगर मित्र राशि में है तो पढ़ाई होगी, लेकिन अगर शत्रु राशि में तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है वो व्यक्ति। छठे स्थान में शनि बहुत बढ़िया फल देगा, शत्रुओं का विनाश करेगा, शत्रु राशि में है तो मामाओं के वंश को नष्ट कर देता है। सातवें भाव में अगर स्वग्रही है तो पत्नी बड़ी मजबूत, हट्टी कट्टी, मोटी और बहुत कर्मठ, मेहनती, काम करने वाली होगी, ऐसा काम करेगी वो, शारीरिक मेहनत जिसमें ज्यादा लगती है वो। और अष्टम भाव में शनि आयु बढ़ाता है। शनि बहुत अच्छा है, न्यायप्रिय तो है ही, अष्टम भाव में आयु की वृद्धि करता है। स्थान वृद्धि करो शनि, लेकिन किस राशि में है निर्भर ये करता है। भाग्य स्थान में अगर स्वग्रही या मित्र राशि
में होगा तो उसका भाग्य हर समय चलते चलते उसके साथ रहता है, उसको कोई भी कष्ट नहीं होने देता। शनि, शनि न्याय का देवता है और उस व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा शनि स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। बृहस्पति बुध की महादशा में जो संपदा प्राप्त होगी वो कम मात्रा में मिलती है, 50% मिलेगी, तो शनि 100% देगा। चंद्रमा की महादशा अच्छी होगी तो चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, धन स्वर्ण अच्छी अच्छी सुंदर स्त्रियों से सेवा करवाता है, मान सम्मान। लेकिन शनि क्या करेगा, वेल्थ प्रॉपर्टी स्टेट, बड़े बड़े मिलिट्री फार्म जैसे होते हैं ऐसे ही उसके कृषि फार्म होंगे, उसमें पेड़ लगाएगा, फल वाले वृक्ष लगाता है, शीशम के बड़े बड़े खुशबूदार और अच्छे फलों के वृक्ष, जिससे कि उसको सुख मिलता है देख करके। और उसको सिर्फ इसी बात का शौक होता है जिसका शनि अच्छा होगा कि लोगों में मेरा नाम हो। अब इतने पेड़ों के फल तो वो खा नहीं सकता, इतनी गाय भैंस का दूध नहीं पी सकता, सिर्फ अपना प्रभुत्व समाज में जमाने के लिए मेरी रेपुटेशन हो, मेरा नाम हो, मेरी इतनी जमीन है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा फला नेता से बहुत अच्छा संबंध है। तो ऐसे व्यक्ति को नेता अपना एक वो मानते हैं आदर्श कि मैं उसके यहाँ जाऊंगा, उसके कई हजार वोट मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उसके समर्थक, इस प्रकार की बातें समाज में चलती रहती हैं। तो जिसका शनि होगा उसका सब कुछ दुनिया उसी की है, और वैसे तो दुनिया में बहुत जी रहे हैं लोग बाग, और कर्म वैसे तो शनि रिक्शा वाला जो होता है उसका भी मजबूत होता है, वो भार ढोने वाला है शनि। लेकिन शनि की जब महादशा आती है तो अगर वो मित्र राशि में तो राजयोग का फल देगा, दशम भाव में भी राजयोग का फल देता है, लेकिन सप्तम भाव में भी नीच का शनि रिक्शा या ई रिक्शा आ गई, आजकल तो पैंडल की रिक्शा कम चला रहे लोग बाग, तो इस प्रकार के काम करता है, या वजन ढोता है, या घास काट करके गाय भैंस के लिए ला करके बेचने का काम करता है वो व्यक्ति जिसका शनि खराब होता है, लेकिन मान सम्मान देता है। अजातस्या माता, एक याद आ गया मेरे अचानक, एक शब्द है अजा, अजा मैंने बकरी, तस्या मैंने उसकी, माता होती है। कई बार किसी किसी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग होता है लेकिन शनि दशम स्थान में हो तो माँ मर जाती है बचपन में या बीमार हो जाएगी, तो ऐसे बच्चे को बकरी का दूध पिला करके या किसी दूसरी माता का दूध पिला करके पाला जाता है। तो सूत्र दिया है ज्योतिष शास्त्र में अजातस्या माता, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो दशम शनि जहां माता के सुख को छीन लेता है लेकिन जीवन में बड़ा होकर के वो व्यक्ति बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।